जिसमें राजा उठा करके जाते हैं सुना जो विवेचक थे उनकी पिस्टल छीन करके भागने लगा, जिसमें एसटीएफ की टीम बैकअप में वहां पर आगे जाते हैं और उसमें मुठभेड़ हुई है और इसमें विकास दुबे घायल हुआ, उसको अस्पताल ले जाया गया जहां पर जवान भी घायल हुए क्या? और हमारे जो कुछ सिविल पुलिस के लोग भी थे, दो तीन लोग हैं, आईजी साहब को हमने वहां भेजा हुआ है और जो घायल उनको ट्रीटमेंट के लिए देते हैं वहाँ व्यवस्था देखने के। सर कितनी गोलियां लगी है? कितनी गोलियां लगी है? अभी अभी विवरण देते हैं, अभी हम अस्पताल पहुँच करके विवरण लेकर के देते हैं। कौन सा है जहाँ पर हम लोग मौजूद है? यही घटनास्थल, यही गाड़ी दुर्घटना जन मुठभेड़ हुई। सर पिस्तल छीनने की क्या बात है? कितने बजे पिस्तल छीनी है? पचौरी साहब हैं जैसे उनकी उनकी साथ में आ रहे थे और उनकी पिस्टल छीन करके जाते हैं, जैसे बताया गाड़ी पलटी है जाते हैं तो उसका फायदा उठा करके वो पिस्टल छीन करके जो है पहले पिस्टल छीनी की पहले गाड़ी पलटी गाड़ी पलटी है यहाँ पर हमारे लोग हैं मौजूद हैं। नहीं अभी सूचना प्राप्त हुई है कि जो विकास दुबे आ रहा था उसमें एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और पलटने के बाद से उसके बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया है। इसके बारे में ऑफिशियल वर्जन जब आएगा तो मुख्यालय के द्वारा रिलीज किया जाएगा। सर बयान में क्या कबूला था अभी तक? कुछ बातें निकल के अभी एक वही चीज़ है, अभी तो रास्ते में आ ही रहा था, अभी यहाँ पूछताछ कहाँ हुई थी? पूछताछ के बाद अभी इसके बारे में ऑफिशियल बयान जारी किया जाएगा। एक्सीडेंट में क्या लापरवाही रही, क्या इन चीज़ों को भी देखा जाएगा? ये अभी जब ऑफिशियल वर्जन जारी किया जाएगा उसमें सभी चीज़ें रहेंगी। सर जिन पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है क्या उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? कुछ बातें निकल के आएंगी? अभी ये तो विवेचना का प्रश्न है, इसको देखा जाएगा, इसको देखा जाएगा, विवेचना में जो तथ्य आएंगे वो देखेंगे। ठीक है।